हेलो यंग चैम्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस इजेस जोस एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ लास्ट यूनिट फ्रॉम योर बुक मैरी राइट सो व्हाट आर यू गोइंग टू स्टार्ट विद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ पोएम क्या है पोएम का नाम स्ट्रेंज टॉक्स क्या लगता है स्ट्रेंज टॉक्स सुन के क्या लगता है क्या होगा इसमें एल टेल यू इसमें बहुत सारे एनिमल्स बात करने वाले हैं ऑब्वियसली एनिमल अगर बात करने लगेंगे तो हमें तो स्ट्रेंज लगेगा है ना सो दैट्स अबाउट योर पोएम एंड योर पोएट इज एल ई एट्स एल ई एट्स नहीं है एट्स है ठीक है एल ई एट्स सो वी स्टार्ट ऑफ विद द पोएम आपको आप देखोगे इस पोएम में आपके बहुत सारे एनिमल्स मिलने वाले हैं ठीक है अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग And every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croc croc. So, first thing is about a little frog. See, we a frog. What is a smiley frog? Hai, right? So, the first animal you have is a frog. The poet says that uh, a frog hai, he lives under a log. What is a log? Uh, a of piece. Jo, um, कौन से वुड का पीस आपने कार्टून में देखा है ना ये वाला ठीक है हमारा फ्रॉक कहाँ रहता था हमारा फ्रॉक यहां रहता था वाह क्या फ्रॉग है राइट सो so, हमारा जो फ्रॉग है वो कहां रहता है एक वुड के नीचे एक वुड के पीस के नीचे रहता है एंड हर बारी जब उसको मन करता है कि वो किसी को गुड मॉर्निंग विश करे सो गुड मॉर्निंग की जगह उसके मुंह से क्या निकलता है क्रॉक 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 की आवाज है है सो so, वो जब गुड मॉर्निंग बोलता है, तो ऐसा लगता है उसको लगता है कि वो गुड मॉर्निंग बोल रहा है बट बोल क्या रहा होता है हमें क्या लगता है क्रॉक क्रॉक ठीक है so, सो इस पोएम में एनिमल्स कुछ बोलना चाहते हैं बट हमें उनका एक ही जैसा आवाज सुनाई देता है राइट सो दैट दॉज अबाउट फ्रॉग हु इज द नेक्स्ट वन अ डक लिफ्ट बाय द वॉटर साइड एंड लिटिल डिड ही बट वी से हाउ डू डू यू ओनली सेट क्वैक नेक्स्ट एनिमल इज अ डक डक बर्ड है सो नेक्स्ट बर्ड इज अक कहा रहती थी वॉटर साइड एक छोटा सा पॉन्ड है उसके पास में रहती थी एंड उसको अगर पूछो वॉट डू यू डू या कैसे हो क्या कर रहे हो कुछ भी पूछो तो वो जवाब में क्या देती थी क्वैक क्वैक हो सकता है वो आंसर दे रही हो बट हमें क्या सुनाई देता है क्वैक क्वैक ठीक है अ डक लिफ्ट बाई द वॉटर साइड अ लिटिल डिड ही लैक अ लिटिल डिड ही लैक मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी एकदम परफेक्ट डक बट वेन बी आस्ट हाउ डू यू डू लेकिन जब हम पूछते हैं कि हाउ डू यू डू ओनली सेवैक quack, quack. वो सिर्फ क्वैकवैक में ही जवाब देता था वो कुछ और बोलता ही नहीं था हो सकता वो क्वैक क्वैक की जगह पर अपना जवाब दे रहा हो बट हमें कैसा नहीं देता है लिटिल पिग लिव इन अटाई एज फैट एज ही आस्क फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी वी नाउ नेक्स्ट इज अ पिग एक छोटा सा पिग है कहाँ रहते हैं स्टाई में ठीक है पिक का जो फार्म जैसा चीज होता है उसको क्या बोलते हैं स्टाई सो so, हमारा पिक कहाँ रहता है स्टाई में वो आ, और हमारा पिग बहुत गोल मोटोल है मोटू मोटू मो सा पिक है हमारा सो द पोएट से जब भी उसको डिनर चाहिए होता था वो आके पूछता तो डिनर था लेकिन हमें क्या आवाज आती है वी वी करके. आपने पिक की आवाज सुनी है वी वी तो नहीं होती है उसको ऐसे ही बोलते हैं ठीक है सो जो पिग है वो डिनर के लिए आके वो पूछता डिनर के लिए था लेकिन हमें कैसा नहीं देता है वी वी ठीक है थ्री पप्स लिव्ड इन अ कैनल एंड लॉक्ट टू मेक अ रो एंड व्हेन दे मेंट मे वी गो आउट दे ओनली सेड सेट बाओ बा नेक्स्ट एनिमल कौन है पपी थ्री पप्स छोटे छोटे डॉग के बच्चे वो लोग कहाँ रहते हैं कैनल में ठीक है फ्रॉक कहाँ रहता था लॉक के नीचे डक का रहता था वॉटर साइड पे पिका रहता है स्टाई में डॉग कहा रहते हैं कैनल में ठीक है सो देवर थ्री डॉग्स और थ्री पप्स और उनको क्या अच्छा लगता था टू मेक अ रो एक के पीछे एक के पीछे चलना सी एक के पीछे एक है ना रो so उनको अच्छा लगता था एक के पीछे एक चल के घूमते रहना और जब उनको ये पूछना वो हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि मे बी गो आउट क्या हम बाहर चले जाए बट हमें क्या सुनाई देता है है ना सो so, डॉग्स का आवाज वो चाहे जो भी पूछना चाहते हो हमें क्या सुनाई देता है है ना सो दैट वॉज अबाउट फ्रॉग डक पिक पपीस uh, है ना फोर एनिमल्स इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ट एज मच एज लिटल गर्ल्स एंड बॉयज अगर ये सारे जो एनिमल्स हैं ये छोटे बॉयज एंड गर्ल्स की तरफ बात करने लगे एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस एंड सोच के देखो अगर ये सब एक साथ बोलने लगे wouldn't it make इट मेक कितना शोर शराबा हो जाएगा है ना इमेजिन जब आप स्कूल जाते थे है ना जब आप स्कूल जाते थे सब लोग एक साथ लंच ब्रेक के टाइम पर जब मैम 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 एक साथ हर जगह से जब आवाज आती थी कितना नॉइज़ होता था है ना अब मिस भी कर रहे हैं ना वो नॉइज़ मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ सो पोइट कह रहा है कि अगर ये सारे एनिमल्स एक साथ एक ही टाइम पे अपनी अपनी लैंग्वेज में चिल्लाने लगे तो व्हाट अ नॉइज इट विल बी है ना सही बोल रहा है पोइट सो दैट वॉज योर पोएम वॉट डिड यू सी इन दिस पोएम द पोएट मेक्स पीपल इमेजिन आपसे आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है कौन क्या क्या कि इफ एनिमल्स वर टू स्पीक लाइक ह्यूम अगर एनिमल्स ह्यूमन की तरह बात कर रहे होते एंड दे ऑल स्पीक एट द सेम टाइम और जो वो सब एक ही टाइम पे बात करने लगते तो इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस बहुत आवाज़ करेगा वो एंड कुछ एनिमल्स के बारे में भी ये बताया है उसने कि हो सकता है कि एनिमल्स हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हो बट हमें सुनाई सिर्फ उनकी वॉइस एक स्पेसिफिक वॉइस ही देती है लाइक फ्रॉग फ्रॉग कहाँ रहता है लॉग के नीचे एंड वॉट इज हिज वॉइस क्रॉक क्रॉक डक कहाँ रहता है रिवर साइड एंड वॉट इज हिज वॉइस क्वैक क्वैक पिक कहा रहता है स्टाई में हिज वॉइज इज वी वी एंड पपीज कहाँ रहते हैं कैनल में एंड देयर वॉइज इज बहू बहू है ना द पोएम इज अबाउट द डिफरेंट दैट एनिमल्स मेक द पोइट्स इज दैट दीज एनिमल्स मे बी टॉकिंग बट वी कैन हियर ऑल वी कैन हियर इज द नॉइज दे मेक ही दन आस्क इफ लिटल बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो टॉक एज मच एज दीज एनिमल्स इट वुड क्रिएट सो मच नॉइज so the poet says a poem may we have a lot of animals and their voices and the poet says if they all talk at the same time it would create a big noise and maybe these animals are trying to talk to us but all we can hear is noise Theke? so that was your poem we'll see the new words instead आई एन एस टी ए डी इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब अगर आपको एप्पल और मैंगो दिया है एंड मम्मा बोल रही है कि मैंगो मत खाओ उसकी जगह एप्पल खा लो मैंगो मत खाओ उसकी जगह एप्पल उसकी जगह जो है ना दैट इज इंस्टेंट हैव द एप्पल इंस्टेड ऑफ द मैंगो समझ में आया एक चीज़ है उसके बजाय दूसरी चीज ले लो तो दैट इज इंस्टेट लैक एल ए सी के लैक कमी एल ए सी के लैक कमी एस टी वाई स्टाई पिक जहां पे रहते हैं ना उसके घर को स्टाई बोलते हैं के ई डबल एन ई एल केनल डॉग्स के घर को क्या बोलते हैं के ई डबल एन ई एल कैनल आर ओ डब्ल्यू रो रो मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक आप असेंबली में कैसे खड़े होते हो दैट इज अ रो आर ओ डब्ल्यू एम ई एन टी मेंट मतलब मतलब ठीक है मेंट मतलब मतलब एम ई एन टी मेंट ओके सो दैट वॉज योर पोएम स्ट्रेंज टॉक्स आई होप आपको पोएम समझ में आ गई है इट्स अ वेरी म्यूजिकल काइंड ऑफ पोएम बहुत राइम है बहुत अच्छा ट्यून में हो सकता है सो यू कैन लर्न इट एंड यू कैन इवन फाइंड आउट न्यू वर्ड्स इफ यू वॉन्ट अगर पोएम में और भी वर्ड्स है जो आपके लिए न्यू है देन अंडरलाइन देम प्रैक्टिस देम लर्न लर्न इट फॉर योर डिक्टेशंस ठीक है इट विल बी हेल्पफुल आपको आगे भी वो वर्ड्स यूज करने में ईजी हो जाएगा ठीक है सो दैट वॉज ऑल इन योर पोएम वील डू द एक्सरसाइजेस नेक्स्ट टाइम सो इट विल बी मीट नेक्स्ट टेक केयर बाय बाय हेलो यंग चैम्स वेलकम टू मैगनर ब्रेन्स दिस इज टेस एना जोस एंड टूडे वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ यूनिट टेन पोएम एक्सरसाइजेस कौन सा पोएम स्ट्रेंज टॉक स्ट्रेंज टॉक में हमने क्या देखा हमने डिफरेंट एनिमल्स के नॉइजेस देखे वॉइस देखे एंड द पोएट सेज दैट अगर एक ही टाइम पे ये सब एक साथ बहुत ज़्यादा आवाज में बोलने लगे तो क्या आवाज आएगा इट विल बी नॉइज सेम लाइक लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज़ अगर छोटे गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत आवाज़ करने लगे एक साथ तो कितना ज़्यादा नॉइस हो जाएगा सो इट इज़ सिमिलर टू द एनिमल्स सो इन इसके पीछे एक छुपा हुआ मैसेज क्या है कि हमें हल्ला नहीं करना चाहिए है ना सब्जी भजार मैम पूछती है ना ये क्लास है या सब्जी मंडी सो so दैट इज इट आवाज़ हमें बात भी करना होता थो, तो थोड़ा धीरे बात करना चाहिए ऐसा नहीं कि सब एक साथ बहुत ज़ोर से आवाज़ करना शुरू है ना सो द पोएम इज अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर वॉइसेस नोइस नहीं वॉइसिस ठीक है डिफरेंट एनिमल्स के वॉइसिस के बारे में है एंड द पोए से हो सकता है वो लोग हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हो बट हमें क्या सुनाई देता है सेम वॉइस ठीक है सो वील मूव ऑन टू द एक्सरसाइज इन दिस वीडियो ठीक है फर्स्ट वन इज येस और नो यू हैव टू राइट येस फॉर द करेक्ट सेंटेंसेज एंड नो फॉर द रोंग सेंटेंसेस अपने पोएम ध्यान से पढ़ा था ना सो जो यहाँ पे सही लगता है उसको येस कर दो जो गलत है उसको नो कर दो ओके ग्रीन फ्रॉक सेट क्वैक क्वैक फ्रॉक क्वैक क्वैक करता है नो फ्रॉक क्रॉक क्रॉक करता है सो दिस इज नो अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रोक पिग रो बनाना चाहता था नो द डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक डक क्रॉक क्रॉक करता था नो no. अरे सब नो नो अब पिग क्राइड अलाउड वी वी यस पिग वी वी करता है है ना द पोएट सेज जब वो डिनर के लिए पूछता है तो हमें क्या आवाज आती है वी वी है ना सो so,

हमें बताना है कि सीमा को बात करनी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए ठीक है तो आप यस और नो कर सकते हो अगर बात करनी चाहिए तो यस अगर बात नहीं करनी है तो नो ठीक है डू यू थिंक सीमा शुड टॉक वेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है तब सीमा को बात करनी चाहिए नहीं मैम करनी तो नहीं चाहिए बट हम तो करते हैं करते हैं नहीं आप तो अच्छे अच्छे है ना नहीं करते हो ना थोड़ी सी करते सो वेन द टीचर टीचर्स इन द क्लास नो बिल्कुल नहीं डू यू थिंक शी सीमा शुड टॉक ऑन द प्ले ग्राउंड यस प्ले ग्राउंड में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे सो येस वाइल शी इज ईटिंग नाउ दिस इज अ बेसिक हैबिट एंड अ बेसिक मैनर आपको खाना खाते वक्त कभी बात नहीं करना चाहिए मतलब जनरल बात करनी चाहिए इन द सेंस आपको खाना जब आपके मुंह में है तब आपको बात नहीं करना चाहिए जब आप च्यू कर रहे हो सो यू एट दैट टाइम यू शुड नॉट टॉक सो इट्स अ बिग नो व्हेन मदर आस्क अबाउट व्हाट हैपेंड इन द स्कूल ओके जब वो स्कूल से वापस आती है एंड उसकी मामा पूछती है हाँ, आज स्कूल में क्या हुआ एंड वो चुप बैठी रहे करना चाहिए ऐसा नो no, तब तो बिल्कुल बात करनी चाहिए मम्मा पापा को तो फुल स्टोरी सुनानी चाहिए स्कूल से आके जितना हुआ जो भी हुआ बस में क्या हुआ स्कूल में क्या हुआ क्लास में क्या हुआ असेंबली में क्या हुआ रिसेस में क्या हुआ सब कुछ है ना so, यहाँ पे ठीक है सो डू यू थिंक सीमा शुड टॉक वेन द टीचर टीचर इन क्लास नो डू यू थिंक सीमा शुड टॉक ऑन द प्ले ग्राउंड येस डू यू थिंक वाइल सीमा शुड टॉक वाइल शी इज ईटिंग नो डू यू थिंक सीमा शुड टॉक वेन मदरस आस्क मदर आस्क ह अबाउट वॉट हैपन इन द स्कूल येस ठीक है समझ में आया ना सो so ये सब सिर्फ सीमा के लिए नहीं है ये आपके लिए भी है क्लासरूम में जब आप वापस जाओगे टू रिमेंबर दैट कि मैम जब क्लास में पढ़ा रही होती है तब आपको हल्ला नहीं करना है प्ले ग्राउंड में आपको जो करने का है आप कर सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है ना एंड देन जब स्कूल से वापस आते हैं तो भी आपको मम्मा को पापा को सब कुछ बताना चाहिए कि बस में क्या हुआ है आज क्या क्या हुआ क्या क्या, क्या किया कौन न्यू फ्रेंड्स बने सब कुछ एंड और कब नहीं बोलना चाहिए वाइल ईटिंग खाना खाते वक्त जब आपके मुंह में खाना होता है तब आपको नहीं बोलने का है ठीक है नेक्स्ट इज अप ओके सिर्फ तीन है Uh, आपके पास जो वर्ड्स हैं दोज आर क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स ठीक है ये जो वर्ड्स हैं ये आप क्वेश्चन बोल पूछते वक्त यूज़ करते हैं ठीक है कुछ वर्ड्स uh, um, uh, so, हैं ना जब आप वेर आर यू गोइंग हाउ आर यू सो दीज वर्ड्स आर क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स ये वर्ड्स हम तब यूज करते हैं जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ फर्स्ट इज डैश ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आर यू ये क्वेश्चन तो सभी को आ देना हाउ कब लगता है हाउ मैनी हाउ कैसे या कितना कोई नंबर जब आ रहा है या फिर कैसे पूछना होता है तो हाउ डैश डू यू प्ले डैश डू यू प्ले वॉट डू यू प्ले तुम क्या खेलते हो या फिर वेर डू यू प्ले या फिर वेन डू यू प्ले ओके यहां पे आप क्या क्या लिख सकते हो वॉट डू यू प्ले ओके यहां पर आप स्लैश मत डालना मैं एग्जाम जगह के ओके okay, मैम यहां पर लिख देती है ठीक है टू का वन इज वॉट डू यू प्ले नेक्स्ट क्या फॉर्म हो सकता है वेन डू यू प्ले और क्या लिख सकते हैं वेर डू यू प्ले देखा सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मे वर्ड को चेंज करके आपके पास थ्री डिफरेंट क्वेश्चन हो गए वट डू यू प्ले आप क्या खेलते हो क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन बास्केटबॉल क्या खेलते हो वॉट मतलब क्या वेन डू यू प्ले आप कौन से टाइम पे खेलते हो शाम को खेलते हो सुबह खेलते हो या फिर इंडोर खेल रहे हो तो रात को भी खेल सकते हो सो वेन डू यू प्ले कब खेलते हो टाइम वेयर डू यू प्ले आप घर पे खेलते हो प्ले ग्राउंड में खेलते हो स्टेडियम में खेलते हो किसी फ्रेंड के घर पे खेलते हो सो दैट इज वेयर डू यू प्ले कहा सो so, कहा कैसे कब uh, कहा कैसे कब कितना ये सब क्या है दीज आर द क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स ठीक है द लास्ट वन इज डैश डू यू लिव वेयर डू यू लिव लिव वाली बात आ रही तो जगह पूछते हैं तो जगह के लिए वॉट डू यू यूज वेयर ठीक है सो हाउ ओल्ड आर यू वॉट डू यू प्ले वेन डू यू प्ले वेयर डू यू प्ले एंड वेर डू यू लिव आपको समझ में आया ना क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स कहाँ पे कौन से यूज होते हैं टाइम जब होता है तो वैन कोई जगह के बारे में है तो वेर टाइम uh, फिर uh, क्या के लिए हाउ uh, कैसे के लिए हाउ क्या के लिए वॉट ठीक है आप एक काम करना जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे दैन फॉर्म सम क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ आप वॉट से फाइव सेंटेंसेस बनाओ वेन से फाइव सेंटेंसेस बनाओ वेयर से फाइव सेंटेंसेस बनाओ ठीक है यू हैव दीज वर्ड्स नो वेन वेयर हाउ वॉट कैन एंड विल सो यू कैन मेक सेंटेंसेस विद अच्छा हमने कैन और विल से कोई वर्ड नहीं देखा ना यहाँ पे हाँ कैन और विल से कोई नहीं है सो विल डू टू लाइक विल से विल यू कम विथ मी क्या तुम मेरे साथ आओगे परमिशन इन द फॉर्म मतलब परमिशन जैसा क्या तुम मेरे साथ आओगे नहीं uh, पूछ रहा है कि तुम आना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो तो ना तो उसकी जगह पे विल यू कम विथ मी क्या तुम मेरे साथ आओगे नाउ विल की जगह पे आप कैन भी यूज कर सकते हो कैन यू कम विथ मी क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो ठीक है कैन और विल इज ऑल्सो यूज वाइल आस्किंग क्वेस् ठीक है ना तब जब विल और कैन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है जब बीच में आता है तो क्वेश्चन नहीं होता है जब बीच में आता है तो कंसेंट होता है मतलब हाँ होता है कुछ भी चल रहा होता है विल मतलब हाँ मैं कुछ भी हाँ का जो सेंटेंसेस होगा ना वहाँ पे विल और कैन यूज होगा ओके ठीक है ना राइट right.

आपको पता है एटीन ईयर्स के बाद आप वोट कर सकते हो सो दैट इज अ वोटर जो आप वोट कर सकते हैं सो डू यू लाइक टू ड्रिंक वॉटर या वोटर वॉटर ही टायर्ड ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री टायर्ड मतलब थक गया एंड ट्राइड ट्राई करना कोशिश करना सो ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री विल यू प्लेज और प्लीज हेल्प मी प्लीज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है सी ई -E या एस ई एस ई आई कैन सी और सी विथ माई आईज सी मतलब एस ई ई देखना एस ई ए समुंदर सो आई कैन सी विथ माई आईज ठीक है सो दीज आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स सब नहीं है बट स्टिल दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर सो आपको जब स्पेलिंग लिखते हो तो यू शुड बी केयरफुल कि आप गलत स्पेलिंग नहीं लिख रहे हो के नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स आपको इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाना है ठीक बन है इजी इज इज क्या सेंटेंस बन सकता है इज योर होमवर्क कंप्लीट क्या तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड आर आर से आर यू कमिंग टू द पार्टी क्या तुम पार्टी में आ रहे हो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड नेक्स्ट इज हैव

as a statement has um, deepak has a has a pet dog question nahi na? had had ke liye हैड के लिए श्वेता हैड कॉफी इन द मॉर्निंग ये भी क्वेश्चन नहीं है स्टेटमेंट है ठीक है सो वी डिड थ्री क्वेश्चन एंड टू सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं ना हैज हैव हैड इज कोई भी सेंटेंस को, आपको सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बना सकते टॉपिक क्या है My pet. So, you have to write 5 to 6 sentences about your pet. If you have a pet, write about him. If you don't have a pet, imagine something and you can write anything. Okay? So, we'll be writing about the most common pet, the dog. Okay? So, I have a pet dog. His name is... Koi name de Sparky. His name is Sparky. He is a... Pug. pug. Um, he waits for me... When I am at school... We play together. He is brown in color with black eyes. Okay?

गार्डन में ठीक है दैट विल बी इनफ इफ यू वॉन्ट टू एड ऑन समथिंग टू इट यू कैन डू इट ठीक है यू आर फ्री टू एड एनी थिंग और यू आर फ्री टू चेंज एनी थिंग इन दिस ज़रूरी नहीं है कि आप इस ऐसा ही बिल्कुल याद कर लो या ऐसा ही लिखो दिस इज अ एग्जाम्पल आपका पेट कैट हो सकता है आपका पेट कुछ और हो सकता है फिश हो सकता है पैरट हो सकता है आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में ठीक है आप क्या खिलाते हो क्या 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 खेलते हो Um, फिर आप लोग साथ में क्या करते हो ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो सो आई हैव अ पेट डॉग हिज नेम इज पाकी ही इज अ पग ही वेट्स फॉर मी वैन आई एम एट स्कूल वी प्ले टूगेदर ही इज़ ब्राउन इन कलर विद ब्लैक आइज ही हैज़ हिज ओन कैनल इन द गार्डन ठीक है सो यू आर फ्री टू चेंज एनी थिंग यू आर फ्री टू एड एनी थिंग आप पे टोटल डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हो राइट सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल

हेलो यंग चैम्स वेलकम टू माई ग्रिड ब्रेन्स दिस इजे सैनोजोस एंड लास्ट टाइम वी डिड द पोएम फ्रॉम आई यूनिट टेन एंड उस पोएम में आगे आपको एक शॉर्ट पोएम विद वन एक्सरसाइज है दिस इज नॉट अ चैप्टर इट इज जस्ट जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज ठीक है सो द नेम ऑफ योर पोएम इज द वाइज ओल्ड आउल आपको पता है आउल को बहुत वाइज माना जाता है क्यों जब आपने कार्टून्स देखे जितने भी लाइब्रेरियंस होते हैं एनिमल्स या फिर जो जज बनता है वो आउल बनता है क्यों बिकॉज आउल इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वाइज आपने देखा आउल बहुत साइलेंट रहता है वो एक हर चीज़ ऐसे घूरता रहता है इधर से उधर इधर से उधर तो इट इज सेट कि आउल ना आ, कुछ बोलता नहीं है बट सब कुछ अच्छे से देख के समझ के सब कुछ सोच के रखता है अपने पास सो दैट इज अ साइन ऑफ अ वाइज पर्सन जो पर्सन बहुत बकबक -बक करता है या फिर एकदम आ, कुछ भी सुना एकदम से रिएक्ट कर दिया दे आर नॉट कंसिडर टू बी वाइज वाइज लोग माना जाता है कि वो लोग चुपचाप सब देखते हैं समझते हैं एंड जहाँ जरूरत होती है सिर्फ वहीं पर रिप्लाई करते हैं सो आउल इज कंसिडर टू बी वेरी वाइज सो यू हैव अ फोर लाइन पोएम अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन दी ओक द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड

उतना कम बोलता था द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड जितना वो कम बोलता था उतना ज़्यादा वो सुन सकता था ठीक है आप समझ रहे हो आप क्लास में या फिर टू दो बच्चे उनकी फाइट हो रही है ठीक है अगर दोनों ही चिल्लाना शुरू कर दे तो किसी को कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा बट अगर कोई एक शांत हो जाए और सुने कि सामने वाला क्या बोल रहा है या वो क्या कहना चाहता है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए है ना मारपीट की जरूरत ही ना पड़े सो इट इज़ कि इट इज़ लाइक दिस कि आप आप अपने आसपास की चीज़ें जब देखते हो उससे चीज़ें सीखा करो आपके पास पता है नेचर नेचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स नेचर आपको जो चीज़ें सिखाती है ना नेचर से क्या मतलब है पेड़ पौधे वाला नेचर ही नहीं आपकी सराउंडिंग कुछ देख रहे हो कोई कुछ बोल रहा है ये जब आप चीज़ें आपके सामने आती हैं इनको बहुत ध्यान से देखा करो सुना करो तो लाइक दाइस अउल वो जितनी ज़्यादा चीज़ें देखता है उतना कम बोलता है एंड जितना वो कम बोलता है उतना ज़्यादा वो सुन सकता है जब आप कम बोलोगे तो आवाज़ कम होगी और आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा सुन सकते हो है ना सो द पोएट इज हमें भी आउल की तरह ही होना चाहिए कैसे कम बोलो ज़्यादा सुनो आसपास की चीज़ों पे नज़र डालो कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है ठीक है एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट सो आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना ज़रूर करना चाहिए ठीक है थोड़ा फिलोसफिकल है ना थोड़ा बोरिंग टाइप है बट आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक बार इंडल्ज कर लोगे ना तो आपकी लाइफ अभी से भी ज़्यादा ब्यूटिफुल हो जाएगी एंड आपको सब लोग बहुत वाइज मानेंगे ठीक है सो दैट इज ऑल इन दिस पोईम सिर्फ चार लाइन है बाई द पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू टेल एस दैट वी शुड बी मोर ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग मतलब आप आपके आसपास क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए शर्लभ होम्स पता है आपको शर्लभ होम्स किसी इंसान को देख के ना उसकी फुल डिटेल बता सकता था कैसे क्योंकि शर्लभ होम्स किसी ने पूछा कैसे कर सकते हो तो कहते आई ऑब्जर्व मैं चीजें देखता हूँ उसके कपड़ों पे कुछ लगा हुआ है या फिर उसके शूज़ कैसे उसका वॉच कौन सा है उसकी टाई कैसी है इन सब से आप उस पर्सन के कैरेक्टर को समझ सकते हो सो यू शुड बी मोर ऑब्जर्वेंट इन योर लाइफ आपको देखना चाहिए आसपास क्या हो रहा है क्यों हो रहा है क्या रीज़न है उन सब का ठीक है वी शुड थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस वी शुड बी क्वाइट वेन एवर रिक्वाइड हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए जहा जहाँ हमारी ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे बोलना चाहिए ठीक है रेजिंग योर वॉइस ऑलवेज इज़ नॉट नेसेसरी हमेशा आवाज़ उठा के लड़ाई करना इज़ नॉट नेसेसरी कभी कभी शांत रहना चाहिए तो ल, लड़ाई या फिर झगड़ा या फिर जो डिस्कशन होता तो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है वी शुड बी वाइज एट द डिशीशंस वी टेक एंड काम इन आर बिहेवियर हम जो डिजिशंस लेते हैं हम जो डिस uh, कोई भी डिसीशन हो किसी भी चीज़ के बारे में हो जो लेते हैं उसके बारे में हमें दो बार सोचना चाहिए वी शुड बी क्लेवर अबाउट इट वी शुड बी वाइस अबाउट इट एंड हमारा बिहेवियर बहुत काम होना चाहिए काम मतलब शांत हमेशा गुस्सा कर रहे हैं हमेशा लड़ाई कर रहे हैं जहाँ देखो वहाँ तोड़फोड़ मचा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है कैसे हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड चेंज आवर बिहेवियर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार अपना बिहेवियर चेंज करते रहो इट मीन्स आप कैसे किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन वॉट इज गोइंग ऑन अराउंड यू ठीक है नाउ यू हैव अ पिक्चर स्टोरी द टोटिव टोटोइस आपने नर्सरी में शायद ये स्टोरी पढ़ी होगी सो आई विल टेल यू द स्टोरी इन शॉर्ट दो स्वान थे स्वैन पता है आपको डाकिया स्वैन आप इनको क्या करो अब इसको डाकि ले लेते हैं चलो स्वैन गर्द गर्दन थोड़ी लंबी है दो तो स्वैन थे एंड उनका एक फ्रेंड था टॉटोइस जो ये टोटोइ था बहुत बात करता था मतलब छूप ही नहीं रहता था इतना बात करता था सो so, एक दिन टोटोइ बोलता है कि तुम लोग तो उड़ के सारी दुनिया घूम लेते हो सब देख लेते हो मैं यहीं पे धीरे धीरे चलता रहता हूँ मुझे भी दुनिया देखना है तो जो स्वैन थे वो लोग क्या बोलते हैं ठीक है चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं देन वो सोचते हैं कि बट इसको लेके कैसे जाएंगे ये तो उड़ नहीं सकता तो वो स्वैन क्या करते हैं दोनों स्वैन अपने अपने मुँह में एक लकड़ी का दो एंट पकड़ लेते हैं एक स्वैन यहाँ पे एक स्वैन यहाँ पे ठीक है मुंह में और टोटोइस इस लकड़ी पे अपने मुंह मुंह में ये लकड़ी रख के लटक जाता है इस लकड़ी से ठीक है दो स्वैन उड़ रहे हैं और बीच में ही इस आ, उम, स्टिक के अपना टोटोइ था ये लोग आकाश में उड़ने लगते हैं उड़ते रहते उड़ते रहते उड़ते रहते थोड़ी देर बाद टोटोइस इतनी देर शांत था अब उससे रहा नहीं जाता उसको बोलने का इच्छा करता है और वो बोलने के लिए मुंह खोलता है न ऊपर से नीचे गिर जाता है सो दैट्स योर स्टोरी आपके पास पिक्चर्स हैं एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी फॉर दिस टू थ्री लाइन्स यूज कर लो एक पिक्चर के लिए एंड यू विल गेट अ स्टोरी ठीक है शैल वी स्टार्ट वंस अपॉन अ टाइम टू स्वैंड

रिवर के पास में कौन रहता था टू स्वैन एंड टोटोइ एंड ये लोग कहाँ रहते थे रिवर के पास वन डे दॉटोइ वॉन्टेड टू फ्लाई सो स्वैंस एन आइडिया ठीक है एक रिवर के पास दो स्वैन और एक टोटो रहते थे वन डे टोटोइ को उड़ने की इच्छा होती है ये लोग फ्रेंड्स थे तो स्वैंस ने एक आइडिया निकाला वॉट वॉज द आइडिया वंस अपॉन अ टाइम टू स्वैंस एंड 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 टोटोइ लिव्ड नियर द रिवर They were friends. One day the tortoise wanted to fly. So the swans got an idea. Now, this was their idea. The swans held a stick. With their feet and asked the tortoise to hold the stick with his mouth. The swans held a stick with their feet and asked the tortoise to hold the stick with his mouth. They told the tortoise not to talk. ठीक है अब उन्होंने क्या किया टॉटोइ को बोला कि तुम इस लकड़ी के बीच में लकड़ी को अपने मुंह से काट लो हम लोग तुम्हें लेके उड़ना शुरू करेंगे एंड आज द टोटोइ नॉट टू टॉक बट द टोटोइ बट द टॉकेटिव टोटोइ But the talkative tortoise could not keep quiet for long and opened his mouth. To say something. टोटोइस को बर्ड्स ने स्पेशली बोला था कि मुंह नहीं खोलना बिल्कुल मुंह नहीं खोलना बट जैसे ये लोग उड़ना शुरू करते हैं इससे बिल्कुल रहा नहीं जाता वो इतनी देर चुप था तो बिल्कुल रहा नहीं जाता वो टॉकटिव था उसको बोलने की इच्छा हुई उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला The swans held the st held a stick with their feet and asked the tortoise to hold the stick with his mouth. They told the tortoise not to talk. But the talkative tortoise could not keep quiet for long and opened his mouth to say something. He lost his hold and उन फ्राम द स्काई सो क्या होता है उसने मुंह खोला छूट गया उसके मुंह से स्टिक uh, एंड वो ऊपर से नीचे गिर गया ठीक है सो दैट वॉज ऑल इन स्टोरी, सिंपल सी छोटी सी स्टोरी जरूरी really नहीं आप इतना लंबा लिखो एज आई ऑलवेज से यूज योर इमेजिनेशन यूज योर वर्ड्स आपको जैसी इच्छा हो आप वैसा लिख सकते हो स्टोरी मत बदल देना वर्ड्स चेंज कर सकते हो so this... ठीक right है सो दैट वॉज इन दिस ठीक है एंड वो ही फॉल्स स्टॉप नेक्स्ट इज लेट्स राइट कॉपी each क्वेश्चन एंड चूज द राइट answer फ्रॉम द बॉक्स आपको दिख रहे हैं टू बॉक्सेस आपको टू बॉक्सेस दिख रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन यहां पे कुछ क्वेश्चन हैं. यहाँ पे उनके आंसर से मैच करना है एंड देन यू हैव टू राइट इट कंपैरिजन में मतलब अ पर्सन इज टॉल अ पर्सन इज शॉर्ट ऐसे कंपेयर करके नाउ कैन यू सी टू पीपल दे इज अ लेडी एंड देर इज अ मैन इज द मैन टॉल और शॉर्ट आपको फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है ज द मैन टॉल और शॉर्ट ठीक है क्वेश्चन एंड आपके आंसर में क्या मैच हो रहा है इट इज ग्रीन इट इज स्मॉल ही इज टॉल ये टॉल सो आप क्या लिखोगे इज द मैन टॉल और शॉर्ट नाउ मैम के पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पर सामने लिख रही हूं आपको एक के नीचे लिखना है ठीक है is the man टॉल or short he is tall ठीक है एंड फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क गलत मत करना नेक्स्ट इज इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट वुमेन को देख के क्या लगता है सेम क्वेश्चन नीचे आएगा इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट द मैन इज टॉल है ना एंड वुमेन वुमेन का क्या आएगा शी इज शॉर्ट ठीक है आपको समझ में आया आपको यहां पर क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन से कौन सा आंसर मैच कर रहा है उसको देखना है एंड देन आपको लिखना है क्वेश्चन वैसे का वैसे पहले लिखोगे आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम हियर विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स दैट आर गिवन ओके तो फर्स्ट वन वाज़ इज द मैन टॉल और शॉर्ट ही इज टॉल, इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट शी इज शॉर्ट मैन के लिए ही वुमेन के लिए शी ठीक है ये तो आपको पता है ओके नेक्स्ट इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल एलिफेंट बिग है या स्मॉल है

Is the mouse big or small? It is green. It is small. It is small. Right? आपको समझ में आ गया ना कि कैसे करना है कर सकते हैं चलो नाउ इज द ट्री ग्रीन और रेड क्या ल, क्या कलर है ट्री का ग्रीन है या रेड है ग्रीन सो इज द ट्री ग्रीन और रेड ग्रीन है ना इट इज ग्रीन इट इज

ओके, सो इज द मैन और शॉर्ट ही इज टॉल इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट शी इज शॉर्ट ओके लाइन खींचोगे तो बहुत हॉच पॉच हो जाएगा सो वील पुट द नंबर्स सेकेंड इज इज द वुमेन और शॉर्ट शी इज शॉर्ट इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल इट इज बिग इज द माउस बिग और स्मॉल इट इज स्मॉल Is the tree green or red? Green. Is the house green or red? Red. Okay? So that was your question and answers. Let's write. Okay? So that was uh, unit 10 poem, chapter first. Huh? Poem, mein, uh, poem, one main poem, and uska ek sub poem. Tha. Okay? We have done both with their exercises, and we are left with just one chapter, one story in your. मैरी गोल्ड बुक राइट सो टी मीट नेक्स्ट टेक केयर बाय बाय हेलो एवरी वन वेलकम टू मैनर ब्रेन्स दिस इज एनर्जोस एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट स्टोरी ऑफ योर बुक मैरी गोल्ड ठीक है सो यू हैव अ स्टोरी द ग्रास होपर एंड दई डोंट नो आपने आप में से कितने लोगों ने यह स्टोरी सुनी है बट अगर आप कार्टून फैन हैं नॉट द uh, जो अभी जो कार्टून्स चलते आ रहे हैं वो वाले नहीं आप अगर uh, स्टोरी वाले कार्टून्स के फैन हैं तो आपने ग्रैस ओबर एंड दी एंड की स्टोरी ज़रूर देखी होगी इट इज़ अ वेरी फेमस म्यूजिकल स्टोरी एक्चुअली सो इट इज़ एडेप्ट फ्राम एस ऑफ्स फेबल्स एस ऑफ्स फेबल मतलब लाइक like हमारे पंचतंत्र पता है आपको uh, पंचतंत्र में बहुत सारी स्टोरीज मिला के एक बुक है वैसे ही एसोप्स फेबल्स मतलब एसोप्स की बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको मिला के एक एक बुक बनी है सो ग्रास ऑफर एंड द एंड इज अ फेमस स्टोरी ठीक है बहुत टाइम से चलती आ रही है स्टोरी um, इसमें एक ग्रास है एंड बहुत सारी एंड्स है जो एक्चुअली फ्रेंड्स थे बट देन कुछ होता है जिससे फिर हम देखेंगे कि ये लोग फ्रेंड्स रहे कि नहीं रहे ठीक है सो वी मूव ऑन टू द स्टोरी वंस there lived अ लेजी ग्रास होपर लेजी मतलब आलसी कोई काम नहीं करना है मेहनत नहीं करनी है ही like लाइक टू वर्क ऑल डे लॉन्ग ही songs and एंड in इन warm सनशाइन वो सारा दिन क्या करता रहता था गाना बजाता रहता था गाने गाता था गाने बजाता था एंड सनशाइन में घूमता रहता था लुक एट मी आई एम सो happy एज कैन बी सो so, उसका लाइन क्या था हमेशा वो बोलता रहता था कि मुझे देखो मैं तो खुश हूँ मैं कितना खुश हूँ मेरी तरह और कोई खुश हो ही नहीं सकता द ग्रास हॉपर लाफ डेट दी हार्ड वर्किंग एंडस एज दे वर्कड डे एंड नाइट उसके वहीं पे कुछ एंड्स भी रहती थी चीटियाँ रहती थी एंड वो दिन भर हार्ड वर्क करती रहती थी आपने देखा था देखा है चीटियाँ जब लाइन बना के घूमती रहती हैं तो कब वो कुछ कैरी करती रहती हमेशा यू you नो know क्यों वो लोग लो ना खाना जमा करते हैं क्योंकि एक टाइम आता है जब बाहर उनको खाना नहीं मिलता है वो लोग बाहर नहीं निकल सकते उस टाइम के लिए वो लोग खाना जमा करते रहते हैं अपने नेस्ट में सो so, एंट्स को बहुत ही हार्ड वर्किंग माना जाता है सो so, जो ग्रास ऑपर है इसके आसपास बहुत सारी एंट्स रहती थी जो दिन भर काम करती रहती थी एंड ये उन पर हंसता था उनका मजाक उड़ाता था वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड जब विंटर्स आते हैं तब सर हर हर जगह पे स्नो हो जाता था एंड एंड्स को तब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या करते हैं पहले ही अपने लिए खाना जमा जमा करके रख लेते हैं तो वो ग्रास को बताते हैं कि विंटर्स आ रही हैं तो हमें खाना स्टोर करना है द लेजी ग्रास ऑपर ओनलीउड समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर्स अराइव्ड ग्रास क्या करता है वो सिर्फ हंसता है इन पे कि अरे यार कैसी चीटियां है अभी तो अच्छा खासा समर चल रहा है ये लोग अभी से खाना जमा कर रहे But then, summers दीरे दीरे हैं बट देन समर्स धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं एंड धीरे धीरे विंटर्स शुरू होने लगते हैं द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्ट स्नोइंग अब हवा तेज चलने लगी बर्फ गिरने लगी हर जगह पे स्नो गिरने लगा द ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वारी अब ग्रास ओपर को टेंशन होने लगा क्यों उसके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है देर इज नो फूड टू ईट नो ग्रास नो फ्लावर्स नो लीव्स अब आसपास खाने के लिए कुछ नहीं है बेचारा ग्रास ओपर ने कुछ जमा भी नहीं किया आई कांट इवन सी आई कांट कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म वॉट विल आई डू आई विल श्योरली स्टाफ अब ग्रासोपर क्या बोलता है मेरे को कहीं घास नहीं दिख रही कोई लीव्स नहीं दिख रही कोई छोटे छोटे जो आ, लेडी बर्ड जैसे छोटे छोटे बग्स होते हैं ना इंसेक्ट्स वो नहीं दिख रहे मैं क्या खाऊंगा मैं तो भूखा मर जाऊंगा स्टाफ मतलब हंगरी जब बहुत भूख लगती है हम हमसे रहा नहीं जाता ना तो स्टाफ टू डेथ मतलब भूख के मारे मर जाना उसको लगता है कि अब 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 मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है कहीं पर कुछ नहीं है मैं क्या करूँगा क्या करूँगा कि टेंशन में था लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट अब देखो एंट को वो क्या बोलता है काइंड नेबर मतलब मेरा अच्छा पड़ोसी दयालु पड़ोसी कल तक उस उन एंट्स पे वो हंस रहा था उनका मजाक उड़ा रहा था कि वो काम कर रहे हैं अब जब ज़रूरत पड़ी तो वो एंट्स को अच्छा एंड काइंड नेबर बोल रहा है वो क्या सोचता है मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है नहीं चलो मैं एंट्स से एक बार जाके बात करके देखता हूं द ग्रास रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड अवे ग्रेन फॉर द विंटर्स अब उसको याद आता है कि जो एंट्स थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने समर में ही विंटर के लिए ग्रेन्स जमा कर लिए थे है ना तो तब उसने हंसी उड़ाई थी इनके ही नॉट डो वो एंट का दरवाजा खटखटाता है डियर एंड आई एम हंग्री एंड कोल्ड आई हैम नथिंग टू ईट प्लीज कैन यू गिव मी समूड ग्रास होपर एंड को क्या बोलता है एंड देखो मेरी हालत मैं इतना भूखा हूँ मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है पीने के लिए कुछ नहीं इतनी ठंड लग रही है मेरे को क्या तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दोगी दी एंड शुक इन एंगर एंड को गुस्सा आ गया देख के लेजी वन

अब जब विंटर्स आ गए हैं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है गो अवे वो उसको भगा देती है शी स्लैम्ड हर डोर शर्ट स्लैम्ड हर डोर शर्ट मतलब दरवाजा ऐसे जोर से, से बंद करना होता है ना गुस्से में हम दरवाजा ऐसे बंद कर देते हैं दैट इज स्लैमिंग द डोर द लेजी ग्रास होपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर जो लेजी ग्रास होपर था उसको खाने के लिए वहां से भी कुछ नहीं मिला तो जैसे वो भूखा वहां गया था वैसे ही भूखा उसको वापस आना पड़ा ठीक है सो दैट्स योर दी विल रीड इट वंस मोर वंस दे लिफ्ट अ लेजी ग्रास होपर ही डिडन लाइक टू वर्क ऑल दे लॉन्ग ही सैन सॉन्ग्स एंड प्लेड इन दॉर्म सनशाइन ही लोकेट मी आई एम एज हैपी कैन बी Uh, the grasshopper laughed at the hard working ants as they worked day and night. "we are storing grains for the long winters ahead," they replied. the lazy grasshopper only laughed louder. summers ended and the cold winters arrived. the wind blew strong and it started snowing. the grasshopper now began to worry there is no food to eat no grass no flowers or leaves i can't even i can't see even the tiniest fly or worm what will i do i will surely starve he cried let me meet my kind neighbor the ant the grasshopper remembered how the hard working ant had stored away grain for winters he knocked at her door dear ant I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? The ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. So, that was your story. अंडरस्टूड सो इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम यू शुड ऑलवेज़ यूज़ योर टाइम क्लेवरली टाइम एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल हाउ यू यूज़ योर टाइम मस्ती मज़ाक करना चाहिए ऑब्वियसली बट यू शुड हैव टाइम फॉर दैट ऐसे नहीं कि पूरा दिन टीवी देख रहे हैं पूरा दिन खेल रहे हैं पूरा दिन मस्ती कर रहे हैं नो no. यू शुड हैव टाइम फॉर एवरी थिंग स्टडी के लिए टाइम रखो एंड पक्का उस टाइम पर स्टडी करो ठीक है होमवर्क के लिए टाइम रखो क्लास स्कूल के लिए अलग टाइम है ट्यूशन्स के लिए टाइम है मस्ती मजाक के लिए टाइम है फैमिली को भी टाइम दो ठीक है सो यू शुड यूज़ योर टाइम वेरी केयरफुली एंड हार्डवर्क इज़ नेसेसरी बिना हार्डवर्क के कोई काम नहीं हो सकता आप अगर चेयर पर बैठे बैठे सोचो कि टी वी का चैनल चेंज हो जाए होएगा नहीं होएगा आपको उठना ही पड़ेगा रिमोट को उठाना पड़ेगा बटन दबाना पड़ेगा है ना सो इट इज नॉट पॉसिबल कि कुछ भी हो विदाउट हार्ड वर्क यू हैव टू गेट अप एंड वर्क है ना इट्स अ स्टोरी दैट टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड टाइम मैनेजमेंट हार्डवर्क मेहनत करना टाइम मैनेजमेंट जो टाइम आपके पास है उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना ताकि आप कुछ यूजफुल uh, कर सको उसमें से मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट उसमें से आपको मिले द स्टोरी शोज अस दैट वंस टाइम इज गॉन इट वोंट कम बैक इस स्टोरी से हमें हमने देखा कि एक बार जो टाइम चला जाएगा वो वापस तो नहीं आएगा वी शुड वर्क हार्ड इन द अवेलेबल टाइम सो दैट वी डोंट रिग्रेट वंस द टाइम इज गॉन जितना टाइम आपके पास होता है उसमें अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे अच्छे से यूज कर लोगे उस टाइम को तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा ये सोच के कि अरे काश मैंने पढ़ लिया होता काश मैंने वो कर लिया होता ये कर लिया होता ठीक है द स्टोरी इज अबाउट अ लेजी ग्रास हॉपर हु मेक्स फन ऑफ अ हार्ड वर्किंग एंड बट एज विंटर्स कम ही डज नॉट हैव एनी थिंग इन स्टोर टू ईट एंड इज लेफ्ट अलोन टू स्टाफ हमारे स्टोरी में दो जो कैरेक्टर्स है वो कौन है ग्रास हॉपर एंड दी एंट दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंट बहुत मेहनत करता था Uh, अपने आने वाले ठंड के दिनों के लिए उसने खाना स्टोर किया टाइम मैनेजमेंट एंड हार्डवर्क बोथ एंड ग्रास ने क्या किया फुल टाइम मस्ती मज़ाक करता रहा uh, कोई काम नहीं किया एंड जब ठंड आई तब एंट के पास खाना था बट इसके पास नहीं था है ना ग्रास के पास कुछ नहीं बचा सो द स्टोरी टेल्स कि अगर ग्रास ने थोड़ी मेहनत कर ली होती तो उसको लास्ट में इतना पछताना नहीं पड़ता

ए आर आर आई वी ई डी arrived, arrived मतलब आना आ गया या फिर आना स्टाफ एस टी आर वी ई starve नहीं है स्टाफ ठीक है स्टाफ मतलब भूखा मरना बहुत भूख लगना बिल्कुल ताकत नहीं बचना एस टी ए आर वी ई स्टाफ एस एल ए डबल एम ई डी स्लैम्ड दरवाजा ऐसे दे मारना ठीक है एस एल ए डबल एम ई डी स्लैम्ड राइट ठीक है सो दैट वॉज योर स्टोरी एंड द न्यू वर्ड्स आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई है रीड द स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड यूज़ योर टाइम वेरी केयरफुली ठीक है हार्डवर्क जहाँ चाहिए वहाँ पर हार्डवर्क करो टाइम जहाँ मैनेज करना है उसको मैनेज करो ठीक है सो नेक्स्ट आपको कभी उसको सोच के बुरा फील uh, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सो टिल वी मीट नेक्स्ट टेक केयर एंड बाय बाय हेलो लिटिल चैंप्स वेलकम टू माइक ब्रेन्स दिस जोस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू एक्चुअली कंप्लीट द एक्सरसाइजिस फॉर योर स्टोरी द ग्रास ऑफर एंडी एंड आपको स्टोरी याद है एक ग्रास ऑफर द एकदम मस्त मस्त रहने वाला एंड एंड थे जो बहुत मेहनत करते थे विंटर्स के लिए खाना जमा कर रहे थे बहुत मेहनत कर रहे थे जो ग्रास ऑपर था वो इनका मजाक उड़ाता था कि तुम लोग इतना काम करते हो तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है ये वो करके तभी एंट ने ग्रास ऑपर को बोला था विंटर्स आ रहे हैं अपने लिए खाना जमा कर लो बट नहीं ग्रास ऑपर को तो सुनना ही नहीं था वो मस्ती में ही लगा हुआ था देन समर्स चले जाते हैं धीरे धीरे विंटर्स आते हैं हर जगह आइस स्नो फैल जाता है एंड जो हमारा ग्रास ऑपर है उसको ना खाने के लिए कुछ मिल रहा था और उसको ठंड भी बहुत लग रही थी तो वो क्या करता है एंट के पास जाके हेल्प मांगता है बट एंट इतना गुस्सा थी उससे कि उसने दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया एंड उसने क्या बोला लेजी ग्रासों पर तुमको मैंने बोला था पहले कि विंटर्स आ रहे हैं अपने लिए खाना जमा कर लो ठंड के लिए कुछ प्रिपेयर कर लो बट नहीं तुम तो सारा दिन खेलते रहते थे डांस करते रहते गाते रहते थे अब क्यों हेल्प मांगने आए हो ये बोल के वो गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देती है एंड बेचारा ग्रासों पर वैसे ही ठंडा और भूखा रह जाता है okay so what was the moral of your story you should know how to manage your time and you should work hard okay so now we will be doing the exercises for this chapter we'll start off with the question answers how did the grasshopper spend his day grasshopper denvergakarta the grasshopper Spent his day singing and dancing and enjoying in the sun. So, वो दिन पर क्या करता था गाना गाता रहता था डांस करता रहता था और धूप में घूमता रहता था ठीक है द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डे सिंगिंग एंड डांसिंग एंड एंजॉइंग इन सन सारा दिन धूप में घूमता रहता था गाना गाएगा डांस करेगा बस यही करता रहता था ओके नेक्स्ट डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन द विंटर ग्रास हॉपर को खाना मिला था क्या विंटर के टाइम पे नो द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन द विंटर्स And was starving, भूख से मरने वाला था वो So, no, the grasshopper did not find food in the winters and was starving. ठीक है उसको ठंड में कहीं खाना नहीं मिला और वो भूखा मरने वाला था ओके okay? What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? What did the ant tell the grasshopper? Pupura dialogue up. Yera, lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. ये एंट्स ने बोला था किसको ग्रास हॉपर को कब जब वो फूड मांगने आया था लेजी वन वॉट वर यू डूइंग ऑल सम यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड गो अवे वॉट डिड द एंट टेल द ग्रास हॉपर वेन ही आस्ट फॉर फूड द एंट Called the grasshopper lazy and asked him to go away. So द एंट वॉज सो एंग्री उसने ग्रास um, होपर को क्या बोला यू आर लेजी एंड उसने उसको घर से भगा दिया है ना और हमारा बेचारा ग्रास होपर भूका रह गया द एंट कॉल्ड द ग्रास होपर लेजी एंड आस्ड हिम टू गो अवे उसने उसको लेजी बोला और घर से निकाल दिया नाउ सिमिलर वर्ड्स स्पीक कंप्लीट स्मॉल सिक एंड बिग आपके पास कुछ वर्ड्स हैं एंड उनके साथ में ही आपको दो अलग अलग वर्ड्स दिए आपको सिमिलर वर्ड को सर्कल करना है सिमिलर मतलब जो एक जैसा है फर्स्ट वन इज स्पीक टॉक और शाउट स्पीक टॉक और शाउट टॉक है ना स्पीक मतलब बात करना चिल्लाना तो नहीं है कंप्लीट फिनिश और स्टार्ट कंप्लीट करना मतलब खत्म करना सो फिनिश स्मॉल थिन और लिटिल स्मॉल मतलब पतला होता है या छोटा होता है छोटा तो स्मॉल इज लिटिल और स्टाउट स्टाउट मतलब छोटा बोना जिसकी हाइट नहीं होती है दैट इज स्टाउट सो मतलब स्टाउट होता है या इल होता है इजी इल होता है बिग बिग मतलब बड़ा या मोटा बड़ा ठीक है सो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स स्पीक टॉक कंप्लीट फिनिश स्मॉल लिटिल सिक इल बिग ए लार्ज ओके वेन यू हियर समर एंड विंटर वॉट आर द वर्ड्स दैट कमिंग टू योर माइंड विंटर सीजन में कुछ चीजें होती है जो आप यूज करते हो या देखते हो या आपके पास होती हैं एंड समर के टाइम पे कुछ अलग चीजें होती हैं राइट सो विंटर बोलते ही आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आता है वो आपको फिल करना है फर्स्ट थिंग स्नो सेकेंड स्वेटर फिर हॉट चॉकलेट फिर स्नो स्वेटर हॉट चॉकलेट और क्या होता है विंटर में और क्या करते हैं मतलब क्या होता है ऐसा जो आप सिर्फ विंटर्स में होते हैं <laughs> ये कौन है स्नोमैन राइट right? विंटर्स में स्नोमैन बनाते हैं है ना स्नोमैन uh, भी बना सकते हैं स्नो फेरीज भी बना सकते हैं तो आप स्नो फेरीज लिख लो या फिर स्नोमैन लिख लो स्नोमैन या फिर स्नो फेरी आपको होता है स्नो फेरी क्या होता है जब आप स्नो में बिल्कुल लेट के आपके हाथ मूव करते हो और पैर मूव करते हो ना सो इट फॉर्म्स अ फेरी ऐसा कुछ सो दैट्स अ स्नो फेरी ठीक है ठीक है सो दैट वॉज फॉर योर विंटर्स नाउ समर समर में क्या याद आता है आपको समर में कूलर आइसक्रीम आपके पास ऑलरेडी है समर कूलर हो गया सन हो गया कॉटन क्लोथ्स एंड लेमनेड ये सब सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं आपको विंटर्स में जो याद आता है आप वो लिख सकते हो आपको समर्स में जो याद आता है आप लिख सकते हो सो कॉटन क्लोथ्स लेमनेड कूलर आइसक्रीम एंड सन ओके okay? आपको जो याद आए या आपको जो पसंद है विंटर्स और समर में आप वो लिख सकते हो ठीक है नाउ कैन यू फाइंड आउट वॉट इज रिटन नाउ यू हैव अ कोड वर्ड दिख रहा है कोड यहां पे आपके पास कोड्स है यहां पे नंबर्स है आपको नंबर का जो भी अल्फाबेट है वो ऊपर लिखना है एंड फाइंड आउट करना है कि क्या लिखा है करे चलो द ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कहाँ है ट्वेंटी फोर जी फिफ्टीन आर थ्री ए ट्वेंटी थ्री एस अगेन एस ट्वेंटी वन एच टेन ओ सेवेंटीन पी सिक्सटीन ई एंड फिफ्टीन कहाँ है फिफ्टीन येरा सो द ग्रास हॉपर ईट्स क्या खाता है फोर फोर कहें फोर कहें अरे फोर का है ये डब्ल्यू टेन टेन ओ फिफ्टीन आर सेवन एम ट्वेंटी थ्री एस द ग्रास ऑपर इट्स वॉम्स ग्रास ऑपर क्या खाता है छोटे छोटे कीड़ों को अर्थ वॉर्म जैसे होते हैं ना छोटे छोटे रिगिल करने वाले कीड़े ग्रास हॉपर उनको खाता है ठीक है नो वन दी थ्री ए ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एन ट्वेल्व टी ट्वेंटी थ्री एस दी एंड इज ट्वेंटी फोर जी फिफ्टीन आर थ्री ए नाइन नाइन का है आई ट्वेंटी टू एन एंड ट्वेंटी थ्री एस दी एंड ईट्स ग्रेन्स एंड क्या खाता है ग्रेन्स ग्रेन्स मतलब अनाज चावल गेहूँ छोटे छोड़ छोटे सीड्स होते हैं ना वो सो द ग्रास हॉपर ईट्स वॉर्म्स एंड एंड ईट्स ग्रेन्स नाउ यू कैन यूज दीज कोड्स टू राइट सीक्रेट मैसेजेस टू योर पेरेंट्स ठीक है आपके पास कोड है ना सो राइट अ सीक्रेट मैसेज फॉर योर पेरेंट्स ठीक है एंड टेल देम टू डी कोड इट आपके पेरेंट्स को ये कोड भी देना और बोलना कि उसको डी कोड करें राइट right?

Winter is very 8, C, 10, O, 20, L, 11, D, winter is very cold, winter mein thandi hoti hai so winter is very cold, done, so last one is your homework, okay? you have to decode it, इजी है है ना आपको सिर्फ नंबर का अल्फाबेट टू पर लिखना है एंड इट विल बी कंप्लीट। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर नाउ एज पिक्चर ए इज डिस्क्राइब डिस्क्राइब बी आपके पास पिक्चर ए है नाउ इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ लेडी इज साइक्लिंग अ लेडी इज साइक्लिंग अ मैन इज रनिंग मैन इज रनिंग टू गर्ल्स आर प्लेइंग

A dog is drinking water. Fir uh, two girls are skipping. Two girls are skipping. Fir. A lady is cutting grass. A lady is cutting. ग्रास वॉट इज द लास्ट वन अ मैन इज स्लीपिंग अ मैन इज स्लीपिंग सो यू डन फोर सेंटेंसेस आप डिस्क्राइब कर सकते हो ना अगर कोई और फोटो दिया होगा इसकी जगह पे अगर दो गर्ल्स स्कीपिंग की जगह पे वो दोनों um, कुछ खेल रहे होते तो द गर्ल्स आर प्लेइंग If the man was working, you could have said the man is working. Okay? So, according to the picture, you can write your sentences a dog is drinking water, two girls are skipping, a lady is cutting grass, and a man is sleeping. And that ends with all the exercises and chapters of your book, Marigold.